बिहार विधान परिषद के लिए पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद जेडीयू मुख्यालय में नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उनकी प्रस्तावित धन्यवाद यात्रा का मकसद संपत्ति की हेरा फेरी बताया है। उन्होंने पूछा कि किस बात के लिए तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर जा रहे हैं। आरोप लगाया कि हर चुनाव में राजद में संपत्ति और जमीन लिखवाने की परंपरा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या तेजस्वी यादव फिर से जमीन लिखवाने जा रहे हैं, दाखिल खारिज कराने की तैयारी है क्या, अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो सचेत रहें। इसके आगे नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, ना ही तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं। चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में दोनों भाइयों ने अपनी चार संपत्ति छुपाई है। देव व्यापार के आरोपी को अपना पीए रखे हुए, ऐसे नेताओं से बिहार की जनता क्या उम्मीद रखेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी के माँ पिता के शासन में राज्य में 118 नरसंहार हुए, क्या तेजस्वी इन मरने वालों के परिजनों से मिलेंगे, उनसे माफी मांगेंगे,